नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 इकाई 7 बुझो तो जाने मित्रों एक पहेली छे अने पहेली ने शुं कहेवाय उखाणा पण कहेवाय मित्रों गुजराती में। तो आपणे पाठ्य जे पहेली छे एने समझ्या मित्रों अने पहेली ने उकेली। तो हवे आजे आपणे ना प्रश्नोनी चर्चा करीशुं मित्रों। तो अहींया जुओ के पेड़ अमे टूंका प्रश्न छे मित्रों, पेड़ अमे किस तरह उपयोगी होते। तो पेड़ मित्रों आपणे कई रीते उपयोगी थाय, तो पेड़ अमे फल जड़ पची छाल लकड़ी कहते ना लकड़ी बीज देकर पेड़ हमें इस तरह उपयोगी बनते हैं। पर्वत किनके उद्गम स्थल है, तो पर्वत नदियां और झरनों के उद्गम स्थल है। नदी की क्या विशेषता है, तो नदी की यह विशेषता है कि नदी में मित्रों पानी होता है लेकिन नदी कभी स्वयं अपना पानी नहीं पीती। तो इस तरह नदी की यह विशेषता है कि नदी कर स्वयं अपना पानी नहीं पीती। तरबूज बाहर से और अंदर से कैसा होता है, तो तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल रस से भरा होता है। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं मित्रों, प्रत्येक हाथ के क्या है, प्रत्येक के लिए एक, तो एक हाथ में केवल सेवक है तो पांच सेवक है। तो प्रत्येक हाथ के पांच सेवक है। त्यागा चिड़िया की क्या विशेषता है मित्रों, तो चिड़िया एटले के पक्षी मित्रों, तो पक्षी की क्या चिड़िया एटले तो चकली के मित्रों गोरैया पण कहेवाय। तो चिड़िया की यह विशेषता है कि वह कभी आलस नहीं करती और हरदम कुछ ना कुछ करती रहती है। फरी से मित्रों चिड़िया की क्या विशेषता है, हमको प्रश्न से छता पण तभी हम समय नहीं आ सकता। तो जो यहाँ चिड़िया की यह विशेषता है कि वह कभी आलस नहीं करती और हरदम कुछ ना कुछ करती रहती है। प्रश्नों के उत्तर के मोटा प्रश्न छे मित्रों, पहेली में पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं, तो मित्रों पहेली में पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों का जंगल है लेकिन पत्थरों के वन है, तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है और नदियां और झरनों का जन्म हमसे ही होता है। तो पूछे तो पहेली में पर्वत अपने बारे में कहते हैं कि हम पत्थरों के पर्वत जो पर्वत से हम घना बता जान के छे मित्रों, तो हम क्या है पर्वतों के जंगल है मित्रों और पत्थरों के जंगल है। तन के साथ हमारा मन भी बड़ा है, ओले बड़ा है ऊंचा विशाल है और हमसे ही नदियां और जनों का जन्म होता है और हम इस भूतल के रखवाले भूतल यानी कि पृथ्वी पर भूतल पृथ्वी नो ऊपर नो जे भाग छे धरती नो जे भाग छे ते मित्रों। नदियां अपने बारे में क्या कहती है, तो नदियां अपने बारे में कहती है कि हम अपना जल लेकिन हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती, हम दुनिया के लिए अपना पानी का उपयोग होता है कि हमारा पानी दुनिया के लिए उपयुक्त होता है और मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती और मैं प्यासी रहती हूँ। हमारे पानी से खेतों की सिंचाई होती है, हमारा पानी हमें क्या होता है नावें भी चलती है और पशु पक्षी भी क्या करते हैं हमारे पानी पीते हैं और मैं मन माने ढंग से लेके मारे जिस जगह बहु हुआ है जगह हूँ वही सकूच नदी में। तो नदियां अपने बारे में क्या करती है, तो नदियां अपने बारे में कहती है कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, स्वयं प्यासी रहकर दूसरों को प्यास बुझाती हूँ और खेतों की सिंचाई होती है मेरे पानी से और मैं अपने मनमाने ढंग से बहती हूँ। भाई समान आती सब मित्रों पहेली हमें मैं एटला माटे कीधुं नदियां तो एना पानी थी मित्रों, तमने ख्याल छे के पशु पक्षी ने पानी पीवा पण काम में आवे छे एटले प्रश्न छे तमारो टूंको एटला माटे मैं अंदर प्रश्न कर्यो छे। पहेली तो मित्रों पहेली ए समस्या कहेवाय अथवा तो प्रश्नना स्वरूपमां होय। तन तन एटले शरीर मित्रों, काय
पर मूकू। પછી ભૂત તલ ભૂ એટલે ધરતી મિત્રો અને તળ એટલે તળ ઉપર નું તળ બાર તો ધરતી કા ફરી તો મિત્રો હવે આપણે વિશેષણની ચર્ચા કરીશું કોઈ જે વર્ણ છે શબ્દ રહી જાય નહીં મિત્રો તો આ રીતે તમારે